बेटियों को ग्रांट देने के मामले में ममता बनर्जी की सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूजा कमेटियों में अनुदान देने में मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ शर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 6 दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं और उन्हें पालन करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव न्यायमूर्ति राजश्री भरद्वाज की खंडपीठ की बेंच में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई है। इस सुनवाई के बाद बेंच ने यह आदेश दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7,000 से 43,000 दुर्गा पूजा समितियों का सरकार अनुदान देने की घोषणा की। इसके खिलाफ कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं जारी की गई हैं और ग्रांट पर रोक लगाने की फरियाद की गई थी, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को ग्रांट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को महंगे भत्ते नहीं मिल रहे हैं, अभी भी बहुत से लोगों को भोजन, स्वच्छ पानी, बिजली, दवा नहीं मिल रही, यह दान क्यों? कई लोगों के पास स्कूल जाने के साधन नहीं है, फिर भी राज्य पूजा में सब्सिडी दी जा रही है, क्या यह अनुदान किसी बड़े जनहित में काम करेगा? ये सारे सवाल जनहित याचिका में उठाए गए थे। याचिका सुबीर कुमार घोष ने दायर की थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पितर पक्ष शुरू होने के साथ ही मूर्तियों के बनाने और पंडाल बनाने का काम भी शुरू हो गया। ऐसे में पूजा कमेटियों की निगाहें कोर्ट पर टिकी थी। कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें राज्य सरकार की ओर से अनुदान मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।